हेलो, मैं हीरो, ये हीरोइन। हेलो, आमी दो को चाय बनाते ही। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड चाय ले रहे थे और मैं चाय बना रही थी, मेरी बहन तैयार हो रही थी। तो आज ये देखिए मेरे हस्बैंड कैसे कर रहे हैं। और आज है ना, लेट हो गया था चाय पीने में, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे थे ना, इसलिए फिर। और यहाँ मेरी बहन बोल रही थी मैं कुछ बनाऊँ, मैंने बोला कि नहीं, बहुत दिनों बाद आई हैं तो यहाँ पे कुछ भी मत कर। वो है ना कुछ करती रहती है, उसको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरी छोटी बहन है। तो गाइस, आपको बता दूँ कि है ना, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो हम कहीं भी जाएं फिर भी ऐसा अपना सा नहीं लगता है। तो मेरी बहन ये बात करी थी, कहीं भी जाएं ना, अपना सा नहीं लगता है मम्मी पापा के बिना। तो यही है, मैंने बोला कि 10-15 दिन रह जा मेरे पास में, क्योंकि फिर मिलना नहीं होता है। और हम तो 2 साल बाद मिले हैं, 2-3 साल हो गए हैं हमें मिलने के लिए। तो और घर की जिम्मेदारियां आ जाती है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है, चाहे कितना भी हम कोशिश करें। और मेरी सिस्टर के जॉइंट फैमिली है, इसलिए उसको तो निकलना ही नहीं होता है कहीं। और नासिक में रहते हैं मेरी सिस्टर की फैमिली सब। तो यहाँ मैं अभी बना रही थी आपे, तो मेरी बहन ने ही सब भिगोया था, दाल, मिक्स दाल और चावल भिगोया था। और मैंने ना उसमें प्याज डाला था, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक मसाले। और यहाँ देखिए, मेरी बहन है ना चाय गरम करके दे रही थी, क्योंकि वो तैयारी कर रही थी, तो उसकी चाय और अंशु की चाय ठंडी हो रही थी, तो इसलिए। और ये देखिए, किचन में मेरे पास में ही रहती है। मैंने बोला था कि बैठ जा, और फिर नहीं बैठती है। ये देखिए, वो बोल रही थी कि दीदी तुम भी लो, हम साथ में बैठ के पीते। तो मैंने कहा कि अभी लेट हो जाएगा खाने में, इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ। तो उसको कैमरे के सामने बहुत शर्म आती है गाइस, कंफर्टेबल नहीं होती है, तो क्योंकि आदत नहीं है ना उसको, इसलिए। और उसको ज़्यादा शौक़ भी नहीं वीडियो बनाने का, ऐसे सेल्फी वगैरह बना लेती है, पर उसको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। और बिना परमिशन हम ऐसे ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते ना, अच्छा नहीं लगता है। तो हमने टकाटक के भी वीडियो डाले हैं 2-3, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए, उसकी बेटी ना बहुत नॉटी है, अभी छोटी है ना वो, उसे भी समझ नहीं है, तो उसको उसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए वो खुद की तरफ ध्यान ही नहीं रख पा रही है। क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि बच्चे जब तक छोटे होते हैं ना, तब तक उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है सब बातों का, 3-4 साल तक बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोग को ना कल मंदिर जाना है, तो कल का व्लॉग भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये रात का व्लॉग है, तो रात को है ना हम सारी तैयारी करके रखेंगे अभी खाना खाने के बाद में, क्योंकि मेरी बहन ने मन्नत मांगी थी, क्योंकि उसको बेबी नहीं हो रहा था ना, तो बेबी के लिए तो वो भी मन्नत पूरी करनी है, इसलिए उनके कुलदेवी को जाना था। और ये देखिए, मेरी बहन की बेटी है, ये मुझे बोल रही थी कि मासी अप्पे दो और खिचड़ी बनाओ, उसको खिचड़ी बहुत पसंद है। पर मैंने बोला कि उसको है ना सारी चीज़ें खाने की आदत डालो तुम, और उसको खिचड़ी और पोहे बहुत पसंद है, तो वही वो देती है ज़्यादा। और है ना गाइस, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो चुकी है, हम गांव गए थे तो पानी चेंज हो गया ना वहाँ का, इसलिए फिर भी ना फिल्टर का ही पानी यूज़ करते हैं मेरे नाना, वो सब कुछ फिर भी चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो अंशु को भी फीवर आया था, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो यही है, तो समझ लीजिएगा गाइस आप लोग। और ये देखिए, मेरी सिस्टर है ना, उसको कुछ बोल रही थी कि मासी इडली बना रही हैं, क्योंकि ना बच्चों को ऐसे अलग अलग बोल के खिलाते हैं ना, तो वो खा भी लेते हैं, उसको इडली बहुत पसंद है मेरी बहन की बेटी को।
तो ना मैंने मेरी सिस्टर को ड्रेस ऑलरेडी लेके रख दिया था, फिर भी एक ड्रेस मैंने मंगाया है ऑनलाइन, तो वो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करेगी गाइज, वो भी व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेरे बहन के बेटे के लिए भी मैंने ड्रेस लिया तो वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बहन दे रही थी उसको, तो मैं अभी एक चीज़ दिखाऊँगी आपको, ये देखिए गाइज मेरे हस्बैंड है ना मिक्सी लेके आए थे, मेरे पास में मिक्सी पड़ी थी, फिर भी ना हमारा ऑर्डर आता है ना कोई ज़्यादा चीज़ पीसने को लगता है, जैसे कि काजू आते हैं 10-10 किलो, तो उसको भी पीसने को ना बड़ा बर्तन चाहिए। और मेरे मिक्सर बहुत अच्छा है, अभी भी ख़राब नहीं हुआ है 5 सालों में, तो उसमें क्या है बर्तन एक ही है, बाकी सारे बर्तन उसके हैं ना ख़राब हो गए, इसलिए बर्तनों के लिए मेरे हस्बैंड ने दूसरा मिक्सर लाया, ये देखिए। और ये होटल कंपनी का है और बहुत बड़े बड़े जार आते हैं इसके, तो ये देखिए गाइस पहला ही ये छोटा आता है ना, इसमें हम 1.25 किलो से भी ज़्यादा इसमें इसकी क्वांटिटी है, कोई भी चीज़ इसको हम पीस सकते हैं। और ये भी बड़ा वाला है और मीडियम बर्तन है ना, ये देखिए इसमें 0.5 किलो तक हम पीस सकते हैं कोई भी चीज़, 0.5 किलो से ऊपर ही आती है, और ये 1 किलो का है और बहुत ही बड़े है ये, और बर्तन बहुत बड़े हैं और एकदम अच्छा। और हमारा घर का जो मिक्सर है ना वो बहुत छोटा है, और ये मिक्सी हमने इसलिए ली है क्योंकि हम लोग का भी कारखाना भी होगा तो उसमें भी यूज़ होगा इसीलिए, और 10-10 किलो चीज़ें पीसनी पड़ती हैं इसलिए हमने ख़रीदा है। और इसकी मोटर भी बड़ी है मिक्सी की, आप देख सकते हो मिक्सर भी बड़ा है काफ़ी, और ये हमको ना 4000 में पड़ा था। और ये देखिए मास्टर होटल कंपनी का है और 1000 वोल्टेज का इसका ये है, तो ये देखिए पिंक कलर का है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा और मेरी हस्बैंड अचानक लेके आए थे रात को, इसलिए आपके साथ में मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। तो ये देखिए गाइस दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है, और ये मैंने अभी सब्जी रोटी बनाई थी, बैंगन की सब्जी और चपाती, और सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता लेके आए थे ना तो नाश्ता हो गया था, और अभी दोपहर को आए हैं तो बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स और चॉकलेट्स लाते रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो वही सबको दे रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी चॉकलेट थी ना तो बच्चों के दांत ख़राब होते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी हम लोग भी ले रहे थे। तो ये देखिए गाइस मेरी बहन है ना कुछ कपड़े की घड़ी कर रही थी, और ये देखिए कितने कॉमेडी करते हैं। और ये है शिवांशी, इसका नाम शिवांशी है, मेरी बहन की बेटी का नाम, बहुत नॉटी है। तो ये देखिए गैलरी में मैंने बोला कि ना थोड़ा बैठ जा, उसके पास मत घूम, मेरी बहन भी ना उसको छोड़ती नहीं है क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है ना गैस बच्चों पे भी। तो ये देखिए हाय कर रही है, और मेरे ये देखिए तो हम लोग गांव जा रहे थे, पास में ही गांव है तो वहां एक मंदिर में जा रहे थे, तो वहां भी हम लोग ने शूट किया है, तो नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा गाइज़।